नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा पहुंचे नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री एके शर्मा का किया भव्य स्वागत। सर्किट हाउस में मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नगर में हो रहे विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। आगरा को औद्योगिक स्मार्ट सिटी में किया गया है शामिल। आगरा में पॉल्यूशन रहित उद्योगों को द्वारा से किया जाएगा स्थापित। मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को उद्योगों की शुरुआत करने के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए दिए दिशा निर्देश। चमड़े से बने उद्योगों को कार्य योजना बनाकर दिया जाएगा बढ़ावा। आगरा के सर्किट हाउस में सभी जनप्रतिनिधियों एवं सांसद अधिकारी रहे मौजूद। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास। आगरा जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने जिले के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय हमारे नगर के भाजपा के अध्यक्ष जी, माननीय महापौर, माननीय विधायकगण, माननीय MLC, जिला पंचायत की अध्यक्षा, इन सभी की उपस्थिति में अधिकारियों के साथ जिले के विकास के कार्यों की हमने समीक्षा किया, चर्चा किया, जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों की व्यापक चर्चा हुई और आने वाले दिनों में जो कार्य करने हैं, जो कार्य योजनाएं बनानी है, उसका स्वरूप दिया गया। जिले के सभी प्रतिनिधिगण से, जनप्रतिनिधिगण को मैं धन्यवाद करता हूं इतनी सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए, और अधिकारियों से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निष्ठापूर्वक, मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे। जी, आज उस पर बहुत ही बेहद चर्चा हुई है। भारत सरकार ने जो आगरा को एक औद्योगिक शहर बनाने का, केंद्र बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके दृष्टिगत सर्वप्रथम चर्चा उसी पे हुई। और आगरा का जो एक औद्योगिक स्वरूप था पहले आपको मालूम है कि यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें बनती थी, अभी भी बनती हैं, जिनका पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी नाम था। चमड़े के ऐसे काम थे, लेकिन समयांतर में वो उद्योग काफी कमजोर पड़ गए, लुप्त हो गए, कुछ पर्यावरण के कारण से भी बंद हुए। उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए फिर से जिले की औद्योगिक प्रतिभा का कैसे उजागर किया जाए, खास करके IT संबंधित उद्योगों को विकसित करके, जो पोल्यूशन कम करने वाले उद्योग हैं उनको विकसित करके, ऐसी आज एक बहुत बहुत व्यापक चर्चा हुई है, जिसके लिए जमीन की भी व्यवस्था की बात हुई है, अन्य सुविधाएं करने की भी बात हुई है। यहाँ मंडला आयुक्त जी भी आई थी, जिन्होंने भी चर्चा में भाग लिया और उन्होंने ये भी बताया कि जमीनें उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करके जिले का औद्योगिक विकास किया जा सकता है। उस दिशा में कार्य योजना बना करके काम करने के लिए मैंने सबको निर्देशित किया है। आगरा में सबसे बड़ी जनकपुरी का जो आने अगले महीने में जो आयोजन होने वाला है, उसका मैंने भी आज मुझे जानकारी मिली है। पिछले साल भी इस उत्सव में जुड़ने का प्रसंग आया था, आज ही शायद वहाँ भूमि पूजन हुआ है और आने वाले महीने में उसका उत्सव होने वाला है। नगर निगम की ओर से और सरकार के अन्य विभागों की ओर से जो भी आवश्यक होगा वहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।